बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खैरियत से ही रखे। आप देख रहे हैं सुंबुल किचन यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ पुदीना का शरबत, शरबत कह लें या जूस कह लें, A1 किस्म का जूस। तो उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं जनाब, आइए हम करते हैं आगाज़। ये देखिए मेरे पास है फ्रेश पुदीना, तो इसको मैंने अच्छे तरीके से धो के रखा हुआ था। अब इसके चंद पत्ते मैं लूंगी, ये देखें। अच्छा जी, इसके चंद पत्ते हम मैंने तोड़ने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लीजिए जनाब, पत्ते मैंने तोड़ लिए। अब इसको जग में डालती हूँ। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद थोड़ी सी चीनी, इसको करते हैं ग्राइंड। छलनी में छान लेते हैं। ये देखिए जनाब, जिस तरह आपको ये फ्रेश कलर नजर आ रहा है, फ्रेश है, तो ये हमारी तबीयत को भी ऐसे ही फ्रेश कर देता है। ख़ास तौर पे पेट के जो मसाइल होते हैं, पकोड़े, समोसे, इस तरह की चीज़ें चटपटी खाने के बाद फौरन अगर आप ये पुदीने का जूस पी लें तो तबीयत जो है ना हशाश विशाश हो जाती है, एकदम मतलब फिट हो जाता है। तो जनाब अब इसमें हम क्या डालेंगे, इसमें डालेंगे आइस क्यूब। ये देखिए ये है लेमन का पानी, कम से कम मैंने 3 लेमन का जो है ना पानी निकाल के अब इसमें डाल रहे हैं। इसके बाद काला नमक, तकरीबन आधा चम्मच, इसको करेंगे मिक्स। मिक्स करने के बाद आइस क्यूब, मेन चीज जो है आप 7-Up डालेंगे। आप स्प्राइट पसंद करते हो तो वो डाल सकते हैं, या 7-Up जो भी पसंद हो वो डाल सकते हैं। इसको हमने करना है फुल। इसको कवर करते हैं, कवर करने के बाद गिलास में सर्व करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें हमने क्या डालना है, लेमन, लेमन का 1-1 पीस सबसे पहले इधर, और जनाब गार्निश के लिए यहाँ 1 पीस लगाएंगे। तो जनाब कैसी लगी है मेरी वीडियो, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट लाजमी कीजिएगा। प्लीज़ अगर फर्स्ट टाइम आप मेरा चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो नई वीडियो के साथ जनाब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।